बरेली से रौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में बुधवार शाम हुए धमाके का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो स्थानीय अधिकारियों ने हर स्तर पर कार्यवाही को लेकर पेंच कस दिए। एसएसपी ने सिरौली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने के साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कई साल से जिले में तैनात सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी। नासिर शाह के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट सीएफओ एसडीएम व सीओ के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की गई। एसएसपी के आदेश पर नासिर शाह पर रिपोर्ट दर्ज की गई। स्थानीय पुलिस ने 2 बार दबिश दी लेकिन नासिर और उसका भाई घर से फरार हो गया था। एसएसबी ने बताया कि 27 सितंबर से ही जिले में विस्फोटक लाइसेंस होल्डर्स का सत्यापन अभियान शुरू हुआ है। इसी सूची में लाइसेंस धारक नासिर शाह का नाम भी था। आरोपियों ने विस्फोटक सामग्री अपने ससुराल में छिपा रखी थी। इसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है। आतिशबाजी का ठीक है। हाँ तो यहाँ का इनका 8-10 साल पहले 8-10 दिन पहले वहाँ पर इनके गोल गोल पकड़ गए थे तो वहाँ पर हटा के सामान यहाँ पर इन्हें ससुराल थी। यहाँ पर किसकी ससुराल है? नाजिम की। और नासिर कौन है? नासिर भैया उनका, नाजिम का। तो जब विस्फोट हुआ आप कहाँ थे? हाँ तो मैं विस्फोट हुआ मैं तो खेत पर था। यहाँ से 1 किलोमीटर खेत है तो वहाँ पर आवाज गई थी, भाग के आए थे हम तो देखा तो हम यहाँ पर सब हमारी भैंस ट्रैक्टर पैक्टर सब टूट गया और 5 खत्म हो गया, बाली बच्चे सब और 5 घर खत्म हो गए। कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हो गया, नुकसान की कोई ताकत नहीं, बहुत नुकसान हुआ थोड़ा सा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।